दिया है, तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में दूसरा डेरिवेटिव आपको निकालना है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करवाते हैं आपको, ठीक है। तो और आईआईटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये 2020 में आया हुआ है। लेट हमने यू कर लिया इसको, टेन इनवर्स 1 + x² -1/x, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, म्यू इक्वल टू टेन इनवर्स सेक थीटा -1, टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा वाई टू। तो टेन थीटा वाई टू यानी टेन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव करो, म्यू डी एक्स इक्वल टू 1/2 1 + x², ठीक है। लेट बी इक्वल टू टेन इनवर्स 2x 1 - x² 1 - 2x². पुट एक्स इक्वल टू साइन फाई, ठीक है, फाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो वी इक्वल टू टेन इनवर्स 2 sin φ cos φ cos 2φ, टेन इनवर्स टेन 2φ, 2φ इक्वल टू 2 sin inverse x, इसका डेरिवेटिव कर दो dv/dx 2√1 - x², यही आया। चलिए तो du/dv, du/dx, dv/dx 1 - x² 4 1 + x². एक्स इक्वल टू 1/2 √3/10 वही है ऑप्शन, ये आंसर आपका हो गया, बी आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं। यहाँ पे a + 2b cos x, a - 2b cos y इक्वल टू a²b², डेरिवेटिव कर दो इसका, तो -2b sin x a - √2 cos y + a √2b cos x, इधर मल्टीप्लाई में इधर लिख देंगे हम √2b sin y dy/dx इक्वल टू 0, तो dy/dx √2b sin x a - √2b cos y a + √2b cos x √2b sin x dy/dx
यहाँ पे पाई बाई फोर हमने पुट किया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई ए प्लस बी ए माइनस, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया, सी आंसर आ गया, क्लियर हुआ। अब इधर आ जाओ, हम क्वेश्चन करेंगे 67, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको y इक्वल टू 6 k1 k cos इनवर्स 3 अपॉन 5 cos kx माइनस 4 अपॉन 5 साइन kx, लेट cos a इक्वल टू 3 अपॉन 5 एंड साइन a इक्वल टू 4 अपॉन 5। y इक्वल टू 6 इक्वल टू k अपॉन 1 k cos cos x a cos k a माइनस साइन a साइन k x 6 इक्वल टू k इक्वल टू 1 k cos इनवर्स cos kx प्लस ए, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हट जाएगा, तो k इक्वल टू 1 यहाँ पे हो जाएगा k kx प्लस ए, यानी k इक्वल टू 126 k स्क्वायर एक्स ए के डी वाई अपॉन डी एक्स के स्क्वायर 67 13 अपॉन 6 इक्वल टू 91 91 हो गया यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब यहाँ पे इसको वो रिस्पेक्ट में निकालना है, डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो आपको गिवन है, गिवन इस क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, 2 इधर लिख दो, यही आया। चलिए इसके बाद दूसरे पे आ जाओ, y इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा, यही है, डिवाइड लगा लो। ठीक है, डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, इससे ये कट जाएगा, वाई बचेगा माइनस टू साइन थीटा टू साइन टू थीटा अपॉन टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, यही होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते कॉट
थ्री थीटा बाई टू, इसको दोबारा डेरिवेटिव करो तो ये करोगे थ्री वाई टू कोट का माइनस कुछ एक स्क्वेयर थीटा, थ्री वाई टू थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो थ्री अपॉन टू कॉस स्क्वेयर थ्री वाई टू थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा आपका कितना है, कहाँ गया डी एक्स, उल्टा लिख दोगे तो यहाँ पे वन अपॉन टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख दो थीटा इक्वल टू पाई, यहाँ पे पाई यहाँ पे पाई, ठीक है, और ये पाई पाई वाई टू वन हो गया, ये माइनस थ्री वाई टू, ठीक है। अब पाई है तो टू तो ये पाई देगा नेगेटिव माइनस वन, टू पाई देगा पॉजिटिव माइनस टू, तो ये हो गया माइनस फोर, तो माइनस फोर कट गया भाई, माइनस फोर ही तो आया, तो थ्री अपॉन एट को ही आ रहा है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, आंसर बी होना चाहिए था अगर ये पॉजिटिव होगा क्वेश्चन, उसमें बोनस दिया गया है, ठीक है, तो आपका आंसर यही आएगा पॉजिटिव वाला, अगर नहीं था तो जो कुछ हो गया होगा, पर यही आंसर है, ठीक है। चलिए 69 पे आ जाते हैं, तो सॉल्व करेंगे y इक्वल टू अल्फा टू यही रहेगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा वन प्लस, तो साइन कॉस अल्फा इसको भी लिख दो, साइन स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वेयर अल्फा, इसको कैलकुलेट करो आपका आएगा टू कॉस स्क्वेयर अल्फा नीचे साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वेयर अल्फा, ये हो गया आपका टू कॉट अल्फा उसे अल्फा टू कॉट अल्फा वन प्लस कॉट स्क्वेयर अल्फा, वैल्यू निकाल के पुट करोगे तो ये आ जाएगा वन प्लस कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा, तो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे लिख सकते अल्फा बिलोंग्स टू थ्री पाई बाई फोर से पाई बाई, ये तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा कुछ या कुछ स्क्वेयर अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स ये पुट कर दो, अल्फा इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स, तो ये है फोर, कोई है ऑप्शन आंसर ए, क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाओ। चलिए पे आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, एक्स इक्वल टू वन वाई टू वाई इक्वल टू वन वाई फोर एक्स वाई माइनस वन अपॉन एट, ठीक है, वाई वन माइनस टू एक्स टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर
बाई डैश अंडर रूट वन माइनस एक्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, बाई की वैल्यू वन बाई टू निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स रूट फाइव बाई टू आ जाएगा, है कोई आंसर? ठीक है, कैलकुलेट करके निकालना है।